कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया हमारा त्रैमासिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि होने वाला है हमारा 16 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पेपर में क्या है और क्या नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। अगला है हमारे, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र सामने कब समर्पण किया था? तो कब समर्पण किया था उन्होंने? मई 1945 में समर्पण किया था। अब अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो कौन सी झील है? सांभर झील है। तो इसका सही आंसर है सांभर। आगे हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमारी दिसंबर 1936 में। अगला है हमारा, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन सा है? बिहार है। इसका सही आंसर बिहार है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डोडोट की हालत बहुत खराब थी पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड की हालत बहुत ही खराब थी। अगला है, फ्रांस की मुद्रा डोडोट जिसे 1994 में समाप्त कर दिया, तो किसे? लिब्रे को। इसका सही आंसर है लिब्रे। अगला है, वसी की संधि डॉट-डॉट में हुई, तो 28 जून को हुई। 28 जून में हुई। अगला है हमारा, प्रायद्वीप भारत के अधिकतर नदियां डॉट-डॉट से निकलती है, तो पश्चिम घाट से निकलती है। आगे हमारा, नागरिक के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर डॉट-डॉट नहीं किया जा सकता, तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है हमारा भेदभाव। अब अगला है हमारा, वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर डॉट-डॉट करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, तो कितने लोग? 27 करोड़ लोग। तो इसका सही आंसर है आपका 27 करोड़। तो दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो कौन सा है हमारा? रूस है। अगला है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया हमारा बेरन द्वीप। आगे, देश में कानून बनाने का अधिकार है, तो देश में कानून बनाने का आधार किसे है? संसद को। तो इसका आंसर होगा संसद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी का हो गया हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अगला है, 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। अगला है हमारा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 में लागू किया गया। अगला है, मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो क्या है इसका महत्व? तो आर्थिक विकास। तो इसका सही है हमारा आर्थिक विकास। अगला है हमारा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो क्या था? शेयर बाजार था।
शेयर बाजार था। आगे हमारा लुई सोलहवे की मृत्यु दंड कब दिया गया, तो कब दिया गया 1793 में दिया गया। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तुम्हारे सत्य असत्य, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये हमारा सत्य हो गया। अगला है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, ये असत्य है। कौन है, बिहार है, अभी देखा था हमने। अगला है मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, असत्य है बिल्कुल। अगला है रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो ये कैसा हो गया हमारा, असत्य हो गया ये भी। अगला है सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक लोक ने लिखी थी, असत्य है ये भी। आगे हमारा जर्मनी केस के संबंध में नाथसी दमनकारी महाहवंस था, तो ये एकदम सत्य है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न सत्य असत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न जो कि है सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती है, नमामि देवी नर्मदा क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। इन सभी को आपको बुक में से कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर अभी आया है तो मैं इन सभी के आपको आंसर नहीं बता पाऊंगी। तो इन्हें जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पेपर बहुत ही पास आ गए हैं। तो इन्हें जल्दी देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो ये हमारा 23वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लें। तो पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से बताया, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करें, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।